नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। बंगाल में रथ यात्रा के दिन बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। महाराष्ट्र के सांगली में पति पत्नी ने की आत्महत्या, 18 महीने की बेटी की मौत से लगा था सदमा। नकली रेमडेसिविर मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय की कार्यवाही, लैब रिपोर्ट दबाने वाले सेंट्रल ड्रग्स लैब के डॉक्टर सस्पेंड। कन्हैया हत्याकांड में शामिल थे 5 आतंकी, 2 दुकानों से 70 मीटर दूर खड़े थे। गौस रियाज पकड़े जाते तो ये खंजरों से हमला करते। राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में किया रोड शो, अपने ऑफिस का भी किया दौरा। यहां 24 जून को हुई थी तोड़फोड़। गैंगस्टर की 12 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क, 22 अलग अलग मुकदमे हैं दर्ज, 2 थानों की पुलिस रही मौजूद। यूपी में भी उदयपुर जैसी धमकियां, मेरठ में बजरंग दल कार्यकर्ता से कहा 17 तारीख को आपका नंबर, 4 लोगों को वार्निंग। देशभक्ति के गीत सुनकर इमोशनल हुए सीएम योगी, लखनऊ में मेरठ क्रांति से लेकर काकोरी कांड पर सुने गीत। रामपुर में पटरी से उतरी मालगाड़ी, 2 डिब्बों के निकले 2 पहिए, पंजाब मेल एक्सप्रेस को शहजाद नगर से पीछे रोकना पड़ा। सपा पार्षद जुआ खेलते रंगे हाथों गिरफ्तार, मुरादाबाद पुलिस ने वार्ड 70 के पार्षद इदरीश समेत 3 को पकड़ा। तेज भूकंप के झटकों से दहला दक्षिणी ईरान, 3 की मौत, 19 घायल। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.0 दर्ज। हांगकांग पहुंचे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा सत्ता देशभक्तों के हाथ में होनी चाहिए, गद्दारों के पास नहीं। अमेरिका यूक्रेन को 82 करोड़ डॉलर के हथियार देगा, ओडेसा में अपार्टमेंट हमले ने अब तक 21 की मौत। और अब मुल्कों को ईरान से बचाएगा इजराइल, दुनिया का सबसे आधुनिक लेजर डिफेंस सिस्टम देगा। पाकिस्तान ने कबूला हमारी जेलों में बंद है 682 भारतीय, भारत बोला जल्द रिहा करो। भारत इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट, टीम इंडिया ने 36 साल बाद बर्मिंघम में 300 से ज्यादा रन बनाए। पंत ने धोनी का 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, भारतीय विकेटकीपर के तौर पर सबसे तेज सेंचुरी लगाई। पंत जडेजा के नाम रहा बर्मिंघम टेस्ट का पहला दिन, 6 विकेट के लिए इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी साझेदारी। चीनी ताइपे की ताई यू जिंग से हारकर मलेशिया ओपन से पीवी सिंधु बाहर, एचएस प्रणय का अभियान भी खत्म। इंग्लैंड में दिखा कोहली का पुष्पावतार, नेट प्रैक्टिस के दौरान शुभमन गिल के साथ की मस्ती, अब वायरल हो रहा वीडियो। दिया मिर्जा ने लिखा उद्धव ठाकरे को थैंक यू नोट, विवेक अग्निहोत्री ने रिएक्ट करते हुए कहा कौन सा प्लैनेट, बॉलीवुड प्लैनेट। हरियाणा सरकार जल्द लाएगी फिल्म और मनोरंजन नीति, पिंजौर में बनेगी फिल्म सिटी, सीएम मनोहर लाल खट्टर का ऐलान। राजपाल यादव पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, इंदौर पुलिस ने अभिनेता के खिलाफ जारी किया नोटिस। अनुराग कश्यप ने बताया बॉलीवुड के माहौल को रिस्ट्रिक्टेड, बोले फिल्म बनाते समय लगता है डर।
अराजकता पर चढ़ा नाच पंजाब का जादू। एक्ट्रेस ने 54वीं मंजिल पर लटकते हुए किया नाच पंजाब सॉन्ग का ऑर्केस्ट्रा। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।